मित्रों नमस्कार, मैं मिथिलेश तिवारी स्पोकन इंग्लिश चैनल से आपका स्वागत करता हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज संडे था, मैंने कहा क्लास देते हैं आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कौन सा सेंटेंस या स्ट्रक्चर है मेरे पास। तो आज हमारे पास है हैज टू, हैव टू, बी वन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू, बी वन ऑब्जेक्ट। हैज टू और हैव टू कंपल्शन बताता है, ऑब्लिगेशन बताता है, नेसेसिटी बताता है, या कह लें कि मजबूरी बताता है, अनिवार्यता बताता है और कर्तव्य बताता है। ये मजबूरी भी बताने के लिए, ऑब्लिगेशन बताने के लिए, आवश्यकता बताने के लिए, ज़रूरत बताने के लिए, अनिवार्यता बताने के लिए हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर लें पॉजिटिव में, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू, हैव टू, बी वन और ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको पहले से ही पता होगा हैज़ टू सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, हैव टू प्लूरल के लिए यूज़ होता है, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है हैव टू। तो हैज़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। अगर हम कह दें ही, सी, कोई एक सिंगुलर नेम ले लें, जैसे राम, या कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे काऊ, तो हैज़ टू का प्रयोग हम इसके साथ पॉजिटिव में करेंगे। Have to, I, we, you, they, boys, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, या कह सकते हैं नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार प्लूरल अगर होगा तो हम have to का प्रयोग करेंगे, और अगर सिंगुलर होगा तो has to का प्रयोग करेंगे। ये अर्थ देगा ना है नी है ने का, ना है नी है ने है। और स्ट्रक्चर में आपको मिल रहा है सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, जो डूअर है, जो करता है वो आएगा, और विशेष चीज़ है कि वी वन आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अगर है तो। जैसे अगर हम उदाहरण लें कि आई have to teach you today। अब आप देखिएगा, I यहाँ का सब्जेक्ट है, have to कंपल्सन के लिए आया या ऑब्लिगेशन के लिए आया, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लिए, और teach यहाँ की मेन वर्ब है, you आपका यहाँ का ऑब्जेक्ट है, और today अदर वर्ड कह सकते हो आप। आई हैव टू टीच यू टूडे, मुझे आपको आज पढ़ाना है, और आप भी कहीं होंगे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाना है। आई हैव टू टीच यू टूडे, अगर इसको हम निगेटिव में बदलें तो ये होगा क्या, सबसे बड़ी चीज़ यही देखने की चीज़ है। तो निगेटिव में अगर बदलें, क्योंकि प्रजेंट का है हैव, तो ये हो जाएगा डोंट, I don't have to teach you today। I don't have to teach you today। अर्थात don't have to ले आ रहे हैं हम, don't have to। तो जो भी प्लूरल होगा उनके साथ हम don't have to, और जो भी सिंगुलर होगा उनके साथ हम doesn't have to का प्रयोग करते हैं। देखने की बात यही है, अगर हम कह दें he has to teach English, he has to, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर खैर कंपल्सन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए और नेसेसिटी के लिए हैज़ आ रहा है,
हैज टू, हैज ना करके हैज टू कहें तो हैज टू आ रहा है, तो ही के साथ हैज आएगा। अगर इसको हम निगेटिव में करें तो यहाँ पर डोंट था क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा आई था, अगर यहाँ आई है, बी है, यू है, दे है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, तो यहाँ डोंट हैव टू आएगा। यहाँ पर सिंगुलर हो रहा है और हैज़ हो रहा है तो क्या स्थिति बनेगी, ये बनेगी ही डजंट हैव टू टीच इंग्लिश। आप देख रहे हैं डजंट हैव टू, मेन चीज यही देखने की चीज है, सिंगुलर होते हुए भी ही डजंट हैव टू लेकर आ रही है, अर्थात ही सी इट राम श्याम, कोई भी डूअर जो सिंगुलर का होगा, एक वचन का होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का होगा, उनके साथ भी हम doesn't have to ले आ रहे हैं और प्लूरल में don't have to। इस तरह से आपको मेन चीज़ ये देखना है कि अगर मान लो ये पॉजिटिव में हो रहा है तो ये स्थिति बन रही है, और निगेटिव में do not और does not से हम बना दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी देखने की चीज़ यही है कि अगर हमको इसको चेंज करना है पॉजिटिव निगेटिव और इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव निगेटिव में, WH में, जिसमें भी चेंज करना है, तो देखना यही है कि सिंगुलर के साथ हम डज नॉट हैव, डजंट हैव कर रहे हैं और प्लूरल के साथ डोंट हैव कर रहे हैं। तो यही चीज़ देखने की चीज़ है कि डजंट हैव और डोंट हैव ही माने रखता है। जो आप कंपटीशन के लिए, जो भी कहीं बैठा हुआ कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए माने रखती है। तो अगर हमको कहना हो कि डू यू हैव टू कम हियर, क्या तुमको आना है, तो यू हैव टू, यू को देखते हुए डू यहाँ का इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव में हो रहा है। अगर हमको इसको कहना हो डज ही हैव टू कम हियर, तो यहाँ जो विशेष चीज देखने वाली है कि डज आया, ही आई, सिंगुलर आया, फिर भी हैव आ रहा है, तो हैव को आपको मेंशन करना है। सिंगुलर होते हुए अगर मान लो यहाँ सी होता तब भी हैव आता, अगर यहाँ राम होता तब भी हैव आता। तो जो भी जिस भी सेंटेंस में आपको बदलना है उसमें बदलेंगे, सारा नियम यही है कि ही के साथ, सी के साथ, राम के साथ हैव का आना लाजमी है, आएगा। तो यही देखने की बात थी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर था मैंने आपको बताया। फिर मिलते हैं, नमस्कार।